अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लानेट। तो दोस्तों आप के साथ है कि मतलब कि हमने बहुत एक्सपेंसिव किस्म का बर्ड ये हमारी मतलब कि मादी है, लगातार 3 साल जेट्स में विन हुई है। और विन इसके होने की वजह भी क्या है ये भी आप दोस्तों को बताऊंगा, और क्यों ये इतनी मतलब कि आउट क्लास किस्म के हमें परवाह देती है। पहले तो आप दोस्तों इसकी आँख देख लें, यानी कि आँख से शुरू करते हैं। ये हमारे पास फिरोजपुरी मादी है, ओरिजिनल ब्लड लाइन में से हमारे पास, यानी कि 6-7 साल के, यानी कि फिर हमने फिर इसको 3-4 साल हो गए थे, हाँ 4 साल, 4 साल से फिर हमने इसे टूर्नामेंट में डाला। उससे पहले हमारे पास ब्रीड में होती थी, टूर्नामेंट में डालने से पहले भी हमारे पास यही एक मतलब कि मसला आ गया था कि मतलब कि कुछ हमारे पास परवाजी कबूतर ख़त्म हो गए थे, फिर हमने इसको ब्रीड में से निकाल के आउट ब्रीड करके फिर परवाज में छोड़ा था। हमने सोचा था इतना रिजल्ट नहीं देगा, फिर वो एक और बात आ जाती है कि जो ओरिजिनल ब्लड लाइन होती है, ओरिजिनल जो ब्रीडर कबूतर मतलब कि सारे ब्रीडर कबूतर ही तो वो मतलब कि ओरिजिनल होते हैं ब्लड लाइन में से, तो वही फिर उड़ते हैं। तो आप इसकी आँख देख लें, आँख देखिए कैमरा आज थोड़े बाद डालें, इस वजह से हमने अपने नाए कबूतर भी खोले हुए, वो भी इधर बाहर गए हुए। ये आप इसकी आँख देख लें, मतलब कि आँख आप इसका देख लें, इसके अंदर इसकी आँख के अंदर रिंग आप देख लें माशाल्लाह से, मतलब कि कितने ज़्यादा रिंग है, जिस तरह के फिरोजपुरी कबूतरों के होते हैं। और पलक आप इसकी देख लें, पलक और नोक का रंग वो भी सेम ही है, और सेम दूसरी साइड की भी इसकी आँख है ऐसे ही, कोई इसके अंदर लाल डोरा नहीं आता। फिरोजपुरी कबूतरों की यही हमेशा से पहचान होती है, इसीलिए ये टेडी कबूतरों में भी ज़्यादा मतलब कि ना इनको फेर आ जाता है। टेडी कबूतरों में जब डालते हैं तो फिर और सी आँखों के कबूतर ऐसा सीमट की आँख के फिरोजपुरी कबूतर निकलते हैं, बोले होते हैं। तो असल जो फिरोजपुरी ओरिजिनल फिरोजपुरी कबूतर होते हैं उनकी आँख ऐसे होती है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह इसके अंदर मतलब कि इसकी आँख के अंदर दराड़ें सी पड़ी हुई हैं, और मतलब कि ना किस तरह के सीमट के कलर की, लेकिन डार्क किस तरह पता चलता है कि दूर से भी कि ये ओरिजिनल ब्लड लाइन में से, अगर ऐसे भी क्रॉस हो में होती है ना तो फिर मादी को हमने ब्रीड में भी नहीं डालना। ये आप देख सकते हैं कि इसके आप बगल देख लें माशाल्लाह से, ये आप देखें बगल में आप इसके देख लें ऊपर से फिरोजपुरी कबूतरों के जो निशान होते हैं खाकी से कलर के, और इस साइड से आप देख लें आखिर के इसके 3 पार। ये अभी तो इसके पार ख़राब हो गए, अभी हमने फिर सोचा कि हम अपने परवाजी छत पर लेके आए ब्रीड में से निकाल के, इधर भी मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। ये आप देख लें आखिर के 3 पार बिल्कुल स्ट्रेट लेंथ में आगे की तरफ जा रहे हैं, कोई मतलब कि गोलाई में नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, तलवार की तरह स्ट्रेट 3 पार आगे की तरफ निकले हुए हैं। और जितना भी इस तरह करो तो कबूतर मतलब कि पार इसके जितने मर्जी कर्व करो लेकिन इसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि मतलब कि यह हवाओं आंधी तूफानों में हमारे पास इसने रिजल्ट दिया था। तो इसी वजह से मतलब कि आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। सेम ये आप देख सकते हैं कि इसके दूसरी साइड का कुंदा भी है, और आखिर के 3 पार भी आप देख सकते हैं। इधर से इसके पार थोड़ा सा ख़राब हो गया था, पता नहीं किस वजह से ख़राब हुआ, ब्रीड में डाले तो ये अब मतलब कि अब खींच के और निकलवा लेंगे। अब बगल आप देख लें माशाल्लाह से कितनी एक तरह से ना हाथ में सिमटी हुई, बिल्कुल लाइट वेट जिसे कहते हैं ना मादी है। ये आप देख लें इसकी इधर से टेल भी बन टेल की मादी है बकाया, मतलब कि एक और फिरोजपुरी कबूतरों के निशानी होती है। ये कभी फुल सफ़ेद नहीं होते, जगह ऊपर से फुल सफ़ेद होंगे इधर से आगे से इस तरह के होंगे तो फिर वो टेडी कबूतरों की क्रास में से होते हैं। फिरोजपुरी ओरिजिनल कबूतर बड़ा मतलब कि एक तरह से रेयर किस्म के होते हैं, ये मतलब कि अपनी अकल से आंश की वजह से ना काफ़ी मशहूर है टेडी कबूतर, तो फिर वो टेडी होते हैं। फिरोजपुरी अपनी जगह, हर ब्रीड अपनी जगह होती है, तो फिरोजपुरी मतलब कबूतरों के मैं आपको निशानियाँ बता रहा था, और उनकी कारकर्दगी बड़ी हड्डी की मादी है। ये आप देख लें बंद इसके जोड़ हैं अभी तक, मतलब कि इतने अंडे भी देती है लेकिन बंद जोड़, ये आप देख सकते हैं कि परेल कितनी है। ये एक और आप दोस्तों को बात बताता हूँ, जो मतलब कि ओरिजिनल ब्लड लाइन में से कबूतर होते हैं ना उनके इस तरह साइड पर अलहदा से भी हल्के हल्के ये बाल होते हैं, पंजे आप देख लें कितने गहरे खुश्क पंजे, जिस तरह नोक का रंग वैसा इसका। और ये आप देख लें इधर भी इसके थोड़े थोड़े पार आए हैं इधर इस साइड पर, फिर ये इस साइड पर भी, ये आप देख लें ये हमारे 29 नंबर एक बड़ा सा वो जोड़ा होता था उसके, खैर ये अभी तक उसकी मतलब कि 2-3 और पट्टियाँ पट्ठे हैं वो भी हमारे पास, अब 29 नंबर फिरोजपुरियों से मशहूर है हमारे पास, मतलब कि काफ़ी हमारे पास अच्छी परवाजें दे रहे हैं जो हमारे उस्ताद हैं वो भी ठीक ही कहते हैं। और बकाया ये है कि कबूतर खुद अपना उस्ताद खुद ही होता है, क्योंकि कबूतर ने खुद ही उड़ना होता है। तो इसको अभी हम छोड़ कर भी आप दोस्तों को दिखाएंगे कि क्या कुछ करती है। काफ़ी दिन होते ना इधर मैंने इसको मतलब कि इसी तरह अंदर जाल में ही रखा था, बाहर छोड़ते हैं, बाहर देखते हैं क्या कुछ होता है, निकल के जाती है। और जितने भी हमारे पास हमने कबूतर पकड़े थे वो सारे कबूतर हमने ना आज बाहर खोल दिए, अब जाना है जहाँ जिसने जाए आना है तो आ जाए। तो साइड पे ज़रा दिखाना, ले जाए डायरेक्ट अंदर जाती है या तो फिर उड़ के कहीं और ही जाएगी, ये लो ये छोड़ ओ गई सीधी अंदर। तो वो आप दोस्तों को भी उस कबूतर का पता होगा, वो जो अंदर गया डैनिश टेडी कबूतर है वो जला, काफ़ी अच्छे इसके भी पर मतलब कि परफॉर्मेंस आ रही है। और कबूतर अभी हमारे इधर बाहर निकले में जितने भी खोले में, एक उस दिन मैंने आप दोस्तों को बताता चलो मादी, एक मादी जब मैंने पकड़ी थी ना वो भी हमने बाहर खोली, अभी वो आधे कबूतर इधर उधर गए हैं आसमान, और कुछ इधर उधर बैठ गए हैं जाके, वो भी इंशाल्लाह शाम तक आ जाएंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया मतलब कि
किस तरह का था, ड्रैग की अंदर चली गई है, भागना ऐसा कहीं भी नहीं। अभी इधर इसने भी छत पक्की कर ली, वो छत भी इसी तरह की थी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।